नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा। और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। जिला मुख्यालय पर आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI की ओर से चूरू जिला अध्यक्ष किशनलाल सीवर के नेतृत्व में लोहिया महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर सांकेतिक प्रदर्शन कर छात्रों को आगामी कक्षाओं में प्रमोट करने व 6 माह का शैक्षणिक शुल्क माफ करने की मांग की है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सीवर ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए छात्रों को आगामी कक्षाओं में प्रमोट किया जाना अति आवश्यक है। आज पूरे प्रदेश स्तर के लेवल पे, हर जिला क्वार्टर पे जो भी विश्वविद्यालय महाविद्यालय, प्रत्येक विश्वविद्यालय महाविद्यालय में NSUI संगठन के द्वारा विद्यार्थी वर्ग के को इस COVID-19 की महामारी को लेकर के उनकी स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु जो परीक्षाएँ जो सरकार के द्वारा कराई जा रही है, ये परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। तो NSUI संगठन द्वारा ये जो सांकेतिक प्रदर्शन किया जा रहा है, ये इसी चीज़ के लेकर के किया जा रहा है कि जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के विद्यार्थी होते हैं वो कौन से भी पाठ्यक्रम में हो, सबको प्रोविजनल ले करके पूर्णतया प्रमोट किया जाए। और फाइनल के विद्यार्थी होते हैं कोई से भी पाठ्यक्रम में हो, ये बेहद बड़ा चिंता का विषय है कि आज इस राजस्थान सरकार संवेदनशील होने के बावजूद भी कहीं न कहीं विद्यार्थियों के प्रति कुछ और संवेदनशीलता दिखाए और फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को भी अतिरिक्त 10 अंकों के साथ में पास किया जाए। इनके साथ साथ के अंदर ये मुख्य रूप से मांग होगी, इनके साथ के अंदर आने वाला शैक्षणिक सत्र है उसका आधे साल का जो खर्च है, पढ़ाई पे खर्च है, जो भी राजस्थान सरकार उसके लिए कोई ना कोई आदेश निकाले, इसके साथ के अंदर जो विद्यार्थी वर्ग राजस्थान पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जिलों के अंदर रह रहे हैं, कोई सीकर है, चूरू है, कोटा है, बीकानेर, हर जगह भी विद्यार्थी रह रहे हैं, उनको लेकर के किराए की जो एक बहुत बड़ी समस्या है उनके लिए भी सरकार कोई ना कोई विशेष आदेश निकाले। इस दौरान लोहिया कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष देवव्रत मोगा ने भी कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाना चाहिए। धरने के दौरान बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। वहीं NSUI के प्रदेश महासचिव कुलदीप बिश्नोई ने भी आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंप कर मांग की है कि COVID-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महाविद्यालय के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करे व सरकार विद्यार्थियों की फीस भी माफ करे। हमारे आज NSUI की एक मुहिम चल रही है, उसमें राजस्थान के जो भी विद्यार्थी हैं उनको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को राजस्थान सरकार ने प्रमोट किया है। उन्हें प्रमोट सरकार ने इस तरह किया है जैसे कि कहा है कि उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया जाएगा, लेकिन जब स्थिति सामान्य होगी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जब कभी भी, तो उनके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। इससे उन बच्चों का साल खराब होगा और आने वाले समय में हो सकता है उनकी तैयारी बेहतर हो ना हो, इसलिए उनको अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाए। और फाइनल के विद्यार्थियों को भी पिछली जो अंक तालिका है उसके आधार पर अंक देके अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाए और उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए भेजा जाए। आज हमने हमारी ये जो भी मांग है इसके लिए मैंने मेरे खून से पत्र लिख रहा हूँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री को कि सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए और जो भी विद्यार्थियों का रूम का किराया है वो भी माफ़ किया जाए। 20 माह से वेतन नहीं मिलने का दर्द क्या होता है, यह आज भीख मांगकर कार्मिकों ने बताया। दरअसल सरदारशहर के मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना कार्मिक संघ के कार्मिकों ने आज हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगकर अपना विरोध जाहिर किया। इस दौरान कार्मिकों ने नगर पालिका के आगे व घंटाघर के पास भीख मांगी। कार्मिक संघ के तहसील अध्यक्ष शेखर सोनी ने बताया कि तहसील के मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच कार्मिकों को 20 माह से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते उनको परिवार चलाने में भारी परेशानी हो रही है। इस दौरान कार्मिकों ने गांधी चौक पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना सरदारशहर के समस्त कार्मिकों द्वारा दिनांक 15 से कार्य बहिष्कार चला रखे, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी मांग है कि कार्मिकों का 20 माह से भुगतान बकाया चल रहा है। अल्प वेतन पर कार्मिक आज कोरोना जैसी महामारी में अपनी जान की परवाह किए बिना काम किया है और अब भी हमारे कुछ कार्मिक कोरोना में काम कर रहे हैं और प्रशासन को बार बार ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराने के बाद में भी हमारे वेतन के ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज हमारा परिवार चलाना भी बहुत मुश्किल में हो गया है। कार्मिकों ने लास्ट में परिवार चलाने के लिए भीख मांगने पर मजबूर हुए और आज हम सभी कार्मिक भीख मांग कर अपने परिवार चलाने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारा पेमेंट भुगतान करें, अन्यथा कार्मिक वापस काम पर नहीं आएंगे और अन्य किसी काम की तलाश में रहेंगे। चूरू के DB अस्पताल में एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन का कल सांसद राहुल कस्वा व उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने उद्घाटन किया। यह दोनों मशीन सांसद कोटे से 31 लाख रुपए में खरीद की गई है। इस मौके पर सांसद कस्वा ने कहा कि अब अस्पताल में जटिल ऑपरेशन हो सकेंगे। वहीं इस दौरान चिकित्सकों ने विधायक राठौड़ से लेप्रोस्कोपी मशीन की भी मांग की है।
जिस पर विधायक ने कहा कि जल्द ही इस पर विचार कर मशीन उपलब्ध करवाई जाएगी। पहले बताया था जिस जब कोरोना की बीमारी आई थी और चूरू जिले के अंदर हमारी प्राथमिकता ये थी कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो का हॉस्पिटल है उसको हम मेडिकल फैसिलिटीज के साथ परिपक्व करें। स्टार्टिंग में हमने कोरोना टेस्टिंग मशीन की 15 लाख की जो घोषणा की थी, उसके बाद में वर्क स्टेशन की डिमांड डॉक्टर्स ने यहाँ पर करी थी कि हमें वर्क स्टेशन चाहिए, ऑपरेशन करने में सक्षम नहीं है। तो 30 लाख की लागत से 2 वर्क स्टेशन हमने सेंक्शन करवाए थे, 15 लाख का हमने ट्रांसफार्मर दिया था और 15 लाख रुपये का वाटर टैंक भी दिया था। तो आज वो 30 लाख की 2 मशीनें आ गई हैं, डॉक्टर्स में बड़े उत्साहित हैं, आज वो कैपेबल हैं ये हॉस्पिटल की आज जो भी ऑपरेशन हो छोटा मोटा अपन वो चूरू लेवल पर कर सकते हैं, पेशेंट को रेफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और आज उन्होंने एक रिक्वायरमेंट और मशीन की मांगी जिसके ऊपर मंत्री महोदय राजेंद्र जी ने भी इसकी हाँ भरने की बात कही है। तो मैं समझता हूँ कि जिले के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा हेडक्वार्टर और जो हेड ऑफिस का या हॉस्पिटल है इसको मजबूती मिलेगी और फ्यूचर में ऑपरेशंस को पेशेंट्स को हैंडल करने के लिए उनको सहायता। जिला मुख्यालय पर आज भारतीय जनता पार्टी चूरू शहर मंडल कार्यालय में राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय मदनलाल सैनी की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता, जिला प्रमुख हरलाल सहारण, पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, डॉक्टर वासुदेव चावला, जिला उपाध्यक्ष भास्कर शर्मा सहित पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत ने की तथा मुख्य वक्ता फतेहचंद सोती थे। इस अवसर पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने स्वर्गीय मदनलाल सैनी के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए कहा कि उनके द्वारा पार्टी की रीति नीति को आम जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। वहीं उनका जीवन सादा तथा चरित्र उज्जवल था। इस मौके पर जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने श्रद्धांजलि देते हुए उनके साथ अपने व्यक्तिगत संस्मरण साझा किए तथा उन्हें उच्च श्रेणी का संगठनकर्ता, श्रेष्ठ सांसद और सबसे महत्वपूर्ण एक सज्जन प्रवृत्ति का व्यक्ति बताया। मैं 1990 में जो पहली बार आप लोगों की सेवा सेना से जुड़ कर गया, तब से मेरा मदनलाल जी सैनी से बड़ा निकट का संबंध रहा। मैं उनके जीवन को जब देखता हूँ तो मैं एक वाक्य में कह सकता हूँ कि उन्होंने पूरा जीवन सिद्धांत की राजनीति के साथ संतन को समर्पित अपना जीवन रखा। प्रदेश अध्यक्ष बन गए, हमारे लगभग 80 लाख के जो सदस्य हैं उनके परिवार के अगुवा बन गए, परंतु वही सरलता, वही सादगी और उसी ईमानदारी के साथ उन्होंने अपने पूरे जीवन को जिया। वहीं रतनगढ़ में भी धनवंतरी नगर स्थित भाजपा कार्यालय में मदनलाल सैनी की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा व विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक अभिनेश महर्षि व भाजपा कार्यकर्ताओं ने सैनी को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। विचार संगोष्ठी को संबोधित करते हुए विधायक महर्षि ने कहा कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी राजनीति में सुचिता व सादगी की मिसाल थे। उन्होंने अपनी सादगी, मिलनसार व्यक्तित्व एवं निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में भाजपा राजस्थान में अपनी एक अलग पहचान बनाई तथा उन्होंने प्रदेश भाजपा परिवार में एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जुड़कर पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए राजस्थान में संगठन को मजबूती प्रदान करने में अपना बहुमूल्य योगदान किया। कठिन परिस्थिति में कैसा भी डगर हो उसके ऊपर चल करके मंजिल प्राप्त करने की बात कर ले, अनेकों अनेक विशेषताएं इनके अंदर थी, उनमें से जीवन में एक दो काम भी यदि आप इनका जो इनकी सोच था उसके अनुसार कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व बहुत अधिक निखर करके आएगा और आने वाले समय में आप जो मंजिल प्राप्त करना चाहते हैं वो मंजिल भी आप देखिए। और मंजिल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तो मंजिल सिर्फ एक ही है कि किस तरह से मैं लोगों के दिलों में जगह बना करके किस तरह से गरीब व्यक्ति का दुखियारे। तारानगर में भी आज कंदोई गेस्ट हाउस में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर मदनलाल सैनी की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। भाजपा नेता राकेश जांगिड़ की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी शिरकत की। वहीं तारानगर में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन में नरेंद्र सिंह शेखावत द्वारा 75 दिन तक लगातार चलाई गई अपनी रसोई के सभी कार्यकर्ताओं व भामाशाहों का कोरोना योद्धा के रूप में सम्मान किया गया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के मुख्य आतिथ्य में शुरू हुए कार्यक्रम में भाजपा के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, ऐसी वैश्विक महामारी के अंदर जो सामाजिक सरोकारों के साथ जिन्होंने काम किया निश्चित तौर पर उन्हें सम्मान तो मिलना ही चाहिए। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। श्रीमती केसर देवी सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू।
शहर का संस्कारवान विद्यालय। हमारा आधार स्वच्छता एवं संस्कार पूर्ण वातावरण। प्रभावी वंदना सभा, प्रभावी अभिभावक संपर्क, शुद्ध एवं सुंदर लेख, छात्र व आचार्य दयानंदनी का प्रभावी उपयोग, प्रभावी शारीरिक योजना, संस्कार केंद्र, पुस्तकालय, शिशु वाटिका एवं कंप्यूटर शिक्षा। विद्या भारती के आधारभूत विषय नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, योग, संगीत, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा। हमारे आयाम विद्वजन परिषद, शोध परिषद, संस्कृत बोध परियोजना व पूर्व छात्र परिषद। इसके साथ सुगम वाहन सुविधा एवं विशाल विद्यालय परिसर। प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें श्रीमती केसर देवी सोती आदर्श विद्या मंदिर, कृषि उपज मंडी के सामने, रतनगढ़ रोड, चूरू। प्रिंस स्कूल एंड होस्टल चूरू, कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय। NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड होस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। पर्यावरण से लेकर हमारे जीवन तक प्लास्टिक का बुरा असर सामने आ रहा है, फिर भी प्लास्टिक का उत्पादन बढ़ता ही जा रहा है। सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन भी कर चुकी है, लेकिन किसी न किसी तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते ही आ रहे हैं, जो हमारे लिए खतरनाक है। वहीं रतनगढ़ की एक रिटायर्ड शिक्षिका ने प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए अब तक 10,000 कपड़े के थैले बनाकर लोगों में निःशुल्क वितरित किए हैं। 65 साल की यशोदा शर्मा रतनगढ़ के वार्ड नंबर 3 में रहती है, जो एक सेवानिवृत्त अध्यापिका है। यशोदा शर्मा ने बताया कि 15 अगस्त को पीएम मोदी ने प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने का आह्वान किया था, जिसके बाद से उन्होंने कपड़े के थैले बनाने शुरू किए थे। सर्वप्रथम मोदी जी के स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जो सफाई अभियान शुरू हुआ, उसके तहत मैं और मेरा बेटा दोनों नगर की सफाई करने हेतु मन में विचार किए और हम दोनों सवेरे सुबह जल्दी उठकर 2-3 घंटे के लिए निकल पड़ते थे। लोगों से बहुत कुछ सुनने को मिला, फिर भी हम अनवरत करते रहे। उसके बाद धीरे धीरे स्वास्थ्य ने साथ मीडिया और मैंने बीच में अपनी मुहिम को छोड़ दिया। 5 महीने तक लगातार करती रही। उसके बाद प्लास्टिक मुक्त भारत जो मोदी जी के द्वारा ये मुहिम चलाई गई थी कि हमारी गाय माता को बचाने के लिए हमें ये इस दीपावली को आने वाले मेहमानों को एक एक स्वनिर्मित कपड़े के थैले देकर निर्देशित करना है। वही वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए यशोदा शर्मा का सेवा भाव का जज्बा और बढ़ गया। शहरवासियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए इन्होंने अपने हाथों से मास्क सील कर लोगों में निशुल्क वितरित किए। वहीं इसके साथ ही पीएम केयर फंड में भी अब तक 1,00,000 रुपए की सहायता राशि जमा करवा चुकी है। सेवा भाव के इस जज्बे को सैल्यूट करते हुए त्रिनेत्र टीवी परिवार की ओर से भी सेवानिवृत्त शिक्षिका यशोदा शर्मा को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको विश्वास नहीं होगा कि मुझे मशीन चलानी नहीं आती थी, लेकिन वक्त सब कुछ सिखा देता है। जब मेरी सासू माँ ने 10,000 थैले का निर्णय लिया तो मैं एक बार तो घबरा गई, लेकिन फिर मैंने उनका साथ देने का निर्णय किया। उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला कि परंतु उनके जज्बे के सामने मैं हार गई। रतनगढ़ पंचायत समिति के विकास अधिकारी दिनेश चंद्र मिश्रा ने आज नरेगा कार्यस्थल का दौरा कर श्रमिकों को सोशल डिस्टेंसिंग रखने के निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने ग्राम पंचायत सिमसिया के अल्बानिया कच्चा जोहड़ में चल रहे खुदाई तथा सार्वजनिक गोचर भूमि में घास लगाने के कार्यों का निरीक्षण किया।
वहीं राजनदेसर के गांव लोणासर में चल रहे मनरेगा कार्यस्थल पर श्रमिकों को समाज सेवी व पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तुनगरिया ने कोरोना जागरूक अभियान के तहत मास्क वितरित कर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जागरूक किया। वहीं इस दौरान शहीद भगवान सिंह राजकीय माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक नरेंद्र मीणा व समस्त स्टाफ को भी मास्क वितरित किए गए। सर, आज हम रत्नादेसर ग्राम पंचायत के ग्राम लूणासर में मनरेगा श्रमिकों को जागरूक करने के लिए कोरोना के प्रति हम आए हैं और उनको मास्क भी वितरित किए हैं और हमने लगभग 25,000 से ज़्यादा मास्क है वो वितरित कर चुके हैं जो घर पे बनाए जा रहे हैं। बच्चे और मिसेज सब लगे हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि सभी गर्मी जो मनरेगा श्रमिक हैं वो बार बार साबुन से हाथ धोते रहें और मास्क का उपयोग करते काम करते वक्त और जब भी बाहर निकलें मास्क पहन कर निकलें और सार्वजनिक स्थान पर थूके नहीं। चूरू के रतनगढ़ रोड स्थित श्री श्याम एंटरप्राइजेस का शुभारंभ आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रोपराइटर नेमीचंद शर्मा, मंगेश जांगिड़ व ओम प्रकाश शर्मा आदि ने अतिथियों का साफा व माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता, जिला प्रमुख हरलाल सहारण, पूर्व सभापति विजय कुमार शर्मा व गौरीशंकर मांडावे वाला सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। श्याम एंटरप्राइजेस के शुभारंभ जिसमें कंटीले तार और फेंसिंग तार का निर्माण होगा, मैं इसके प्रोपराइटर नेमीचंद शर्मा जो घंटेल के निवासी हैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि उनका व्यवसाय खूब फले फूले, खूब अच्छा हो। आज के समय में जब आवारा पशुओं की समस्या बढ़ती जा रही है, ऐसे समय में इस प्रकार के तारों का, इस प्रकार के जालियों का उपयोग बढ़ता जा रहा है और हम देखते हैं कि जितने भी विकसित देश हैं उनके खेतों में इसी प्रकार की फेंसिंग होती है, हमारे देश की भी ज़रूरत पड़ रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि नेमीचंद जी देश की बढ़ती हुई ज़रूरतों को, हमारे जनपद की बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा करेंगे, अच्छे क्वालिटी का उत्पाद बनाएंगे और ग्रामीणों की और जन की सेवा कर सकेंगे। आज के शुभ अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। रतनगढ़ में पेयजल समस्या को लेकर चूरू रोड स्थित जलदाय विभाग के एक्सएन कार्यालय में लोगों व अधिकारियों के बीच जमकर बवाल हुआ। इस दौरान विभाग के JN अशोक मीणा मौके पर पहुंचे व लोगों से वार्ता की। उन्होंने समझाइश करते हुए कहा कि भानी दौरा उच्च जलाशय से आपनी योजना का पानी आ रहा है जिसका रखरखाव कार्य LNT कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। रतनगढ़ शहर के आदर्श पुलिस थाने में विधायक कोटे से 7 लाख रुपए की लागत से स्वागत कक्ष का निर्माण शुरू किया गया है। वहीं निर्माणाधीन स्वागत कक्ष का कल विधायक महर्षि ने निरीक्षण किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम की मांग तथा थाने में आने वाले फरियादों को होने वाली परेशानी को देखते हुए रतनगढ़ व राजनदेसर पुलिस थाने में 7 लाख रुपए की लागत से स्वागत कक्ष का निर्माण करवाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान विधायक ने थाने में बनने वाले स्वागत कक्ष में फर्नीचर व अन्य संसाधन भी अपने खर्च से लगवाने की घोषणा की है। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल पिसाऊ। CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, अकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक मिलिट्री नवोदय स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। चूरू के वार्ड नंबर 8 के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में केंद्र प्रभारी डॉक्टर इमरान गोरी की प्रेरणा से आज आशा सहयोगिनी सरीना बानो ने अपने पुत्र इवान भाटी के जन्मदिन पर गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य केंद्र को एक कूलर भेंट किया है, जिस पर डॉक्टर गोरी ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दान करने से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। 2020 को आशा सहयोगिनी सरीना बानो द्वारा एक कूलर भेंट किया गया है। इसमें वो बता रहे हैं कि 1 अप्रैल को उनके बच्चे वुहान का जन्मदिन था जो वो मना नहीं पाए लॉकडाउन की वजह से, तो इसलिए उन्होंने उन्हीं रुपयों से कूलर भेंट करने का उन्होंने हमारे लिए व्यक्त किया।
जिले भर में हुए टिड्डी दल के हमले के बाद किसानों को हुए नुकसान का सर्वे कराकर उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा देने की मांग को लेकर आज यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव प्रवेंद्र सिहाग के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि सरकार टिड्डियों से हुए नुकसान का सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दे ताकि अगली फसल की समय रहते हुए बुआई करवाई जा सके। आज चूरू जिला कलेक्टर संदेश नायक को हमारे जो डेलीगेशन है ज्ञापन दे रहे हैं। चूरू जिले में टिड्डियों का आतंक बहुत बड़ा भारी आतंक है, किसान परेशान है। तो कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि भी इनकी पूरी गिरदावरी कराई जाए जो और उनको 50% से लगभग 90% तक खराबा हुआ है उनको उस हिसाब से उस कैटेगराइज के हिसाब से मुआवजा भी दिया जाए। आज किसान बहुत ज़्यादा पीड़ित है, दुखी है। इस क्रिटिकल समय में सरकार को और प्रशासन को आगे आके पूरी किसानों की मदद करनी चाहिए। जो यथासंभव उपकरण है वो उपकरण अवेलेबल कराने चाहिए और जो हवाई अगर हेलीकॉप्टर से दवाइयाँ अगर स्प्रे हो सकती हैं तो वो भी सरकार प्रशासन और केंद्र सरकार को बातें करनी चाहिए। ये हमने आज ज्ञापन के माध्यम से बात कही है। आपका नाम? परमेंद्र सियाग। जिला मुख्यालय पर आज राजकीय लोहिया महाविद्यालय के छात्रों ने कोरोना से बचाव व जागरूकता के लिए एक पोस्टर का विमोचन किया है। छात्र नेता सद्दाम हुसैन ने बताया कि BCM और डॉक्टर एहसान गोरी की प्रेरणा से आज उन्होंने इस पोस्टर का विमोचन कर छात्रों में वितरित किया है। वहीं छात्र आम जन को इन पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे। आज हमने खंड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एहसान गोरी साहब की प्रेरणा से कोरोना जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया गया है। अभी चूरू जिले के अंदर कोरोना जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत हमारी टीम पूरी चूरू के अंदर विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर जाकर विभिन्न वार्डों विभिन्न मोहल्लों में जाकर आमजन को कोरोना से बचाव का संदेश दे रहे हैं और ये जो जागरूकता पोस्टर है ये हम वितरित कर रहे हैं। आज हमने पोस्टर का विमोचन किया है और हमारे जितने भी युवा साथी है उनको हमने संदेश दिया है कि आप अपने वार्ड के अंदर अपने मोहल्ले में जाकर आमजन को कोरोना से बचाव का संदेश दें, उनमें जागरूकता लाए ताकि आने वाले समय के अंदर हमारा चूरू जिला कोरोना से मुक्ति पाकर और मुक्ति पा सके। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कहा है कि वर्तमान में सरकार की अधिकतर योजनाएं कहीं न कहीं बैंक से संबंधित होती है, इसलिए बैंकर्स कस्टमर फ्रेंडली बने और लोगों को सरकार की योजनाओं की समुचित जानकारी देते हुए उनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाए। जिला कलेक्टर आज कलेक्टर सभागार में बैंकों की जिला स्तरीय समीक्षा एवं समन्वय समिति बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना के बारे में भी किसानों को जागरूक करें और बैंक में आए किसानों को इसके बारे में समुचित ढंग से कन्वेंस करें। सरदार शहर के वार्ड संख्या 12 में स्थित गोगा मेड़ी पर आज मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं इसी कार्यक्रम के तहत 3 दिवसीय यज्ञ महोत्सव का भी समापन आज हुआ। नगर पालिका चेयरमैन सुषमा पीचा के मुख्य अतिथि में शुरू हुए कार्यक्रम में वार्ड के अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। ये गोगो जी महाराज की मेड़ी का नवनिर्माण कराया गया है मोहल्लेवासियों के सहयोग से, आशीर्वाद से भगवान के। उसकी प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम था जो कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंस के माध्यम के द्वारा कराया गया है। यहाँ पर हमने सभी को करीब 300 मास्क भी वितरित किए हैं, साथ में सभी ने आप देख सकते हैं सभी मास्क लगाए हुए हैं और यहाँ पर सैनिटाइज़र है, साबुन के साथ हाथ धुलाकर भगवान के सबको दर्शन करवाए हैं, मूर्ति की स्थापना की है। ये था आज का चूरू अपडेट, कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार। छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला,
अकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। प्रिंस स्कूल एंड होस्टल चूरू, कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय, NCERT सिलेबस के साथ सैनिक नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। 9 होमवर्क, 9 लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड होस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। श्रीमती केसर देवी सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू, शहर का संस्कारवान विद्यालय। हमारा आधार स्वच्छता एवं संस्कार पूर्ण वातावरण। प्रभावी वंदना सभा, प्रभावी अभिभावक संपर्क, शुद्ध एवं सुंदर लेख, छात्र व आचार्य दयानंदनी का प्रभावी उपयोग, प्रभावी शारीरिक योजना, संस्कार केंद्र, पुस्तकालय, शिशु वाटिका एवं कंप्यूटर शिक्षा। विद्या भारती के आधारभूत विषय नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, योग, संगीत, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा। हमारे आयाम विद्वजन परिषद, शोध परिषद, संस्कृत बोध परियोजना व पूर्व छात्र परिषद। इसके साथ सुगम वाहन सुविधा एवं विशाल विद्यालय परिसर। प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें श्रीमती केसर देवी सोती आदर्श विद्या मंदिर, कृषि उपज मंडी के सामने, रतनगढ़ रोड, चूरू।